बैठने के लिए घर नहीं है क्या? मैं सो रही थी, आपने जबरदस्ती मेरे साथ सो गए। क्या हो गया फिर है? और आपने फोटो वोटो भी ले रखी है, आप फोटो डिलीट कर दो आप मेरे। ये क्या कर रही है? मैंने समझाया समझ नहीं आ रही है बिल्कुल। करना क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो? सोना चाहते हो मेरे साथ? सोना चाहते हो क्या? लो सो लो, कर लो जो करना चाहते हो। समझ नहीं आ रहा तुझे? नमस्ते दोस्तों, मैं आपका भाई गोल्डन यादव, और आज आप लोग सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम लेके आ गया हूँ। आज फिर एक मतलब दिल्ली से थोड़ी दूर पे एक इलाका है, ठीक है, मैडम ने जगह का नाम बताने से मना किया है, तो एक बार ना इनसे ही पूछ लेते हैं, इनके साथ इनका जो देवर है वो क्या ही कर रहा है इनके साथ, यहाँ तक कि एक बार इनके साथ सो चुका है। इन्होंने जब बताया ये बात, और इनकी बिना मर्जी से, बाकी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ एक बार खुद ही जो हुआ मैम बताओ। मेरे जो देवर हैं मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते रहते हैं। मैं मतलब किचन में होती हूँ तो मुझे कमर पे हाथ लगा के चले जाते हैं, कमरे में होती हूँ तो कमरे में आ जाते हैं और चादर वदर की। और मैंने ये बात ना अपने घर वालों को भी बोला लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, मैंने कहा ये मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती। अपने हस्बैंड को ये चीज़ें बताया? हाँ मैंने उन्हें बताया। तो क्या बोला उन्होंने? वो बोल रहे हैं कि वो गलत नहीं है, तू गलत हो सकती है, वो मेरा भाई है, वो ऐसा नहीं कर सकता, और क्या कहते हैं तू बच्चा लन है ये वो। अब मेरे कोई को नहीं, सुन अब सुनो सुनो, कोई नहीं, देखो मैंने कैमरा लगा रखा है, क्या सच है क्या गलत है अभी पता चल जाएगा, ठीक है। एक बार ना कॉल करके यहाँ पे बुलाओ और फोन स्पीकर पे करना, क्योंकि सब लोगों को ये बातें सुनाई देनी चाहिए। लो हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ पाली बोलो। हाँ देवर जी, आप कहाँ पे हो? मैं यही मार्केट आया था थोड़ा सामान लेने। थोड़ा यहाँ पे आ जाओगे? ये शुक्र बाजार वाले रोड के पास जो पार्क है वहाँ पे बैठी हुई हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो आप? वो तो बहुत बेकार पार्क है, गंदा पार्क वो। बस आपको मैंने बुला रही हूँ, थोड़ी बात करनी है, ठीक है? अच्छा जी, है लगता आज पूरी तैयारी है क्या? आ जाओ। चलो ठीक है, आ रहा हूँ अभी 15-20 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, आ रहा हूँ जी। ठीक, कितने मतलब मैं क्या ही बोलूँ गाइस, आपने खुद ही सुन लिया, ठीक है। इन मैडम देखो डरना मत, ये माइक अपने अंदर लगा लो कि दिखे नहीं, ठीक है, ये पकड़ो माइक गाइस, आप वीडियो में बन रहे ना, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, लाइक कर दो मेरे को। सुनाओ बाबू, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ आज ऐसे सुनसान से पार्क में? आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते रहते हो यार? क्या हो गया? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ यार, इसमें क्या हो गया? पसंद करने वाली कौन सी बात है? मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ यार। मैं आपकी भाभी ने आपसे कहा है, देखो मेरे यार क्या हो गया यार, हम दोनों यार मैं तुम्हें प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा यार। मैं आपसे प्यार व्यार नहीं करती हूँ ना। तुमने देखो घर वालों से भी कहा, किसी ने यकीन करा तुम्हारी बात पे? नहीं करेगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन आप ऐसा करते हो और वो लोग आप पे भरोसा करते हैं तो वो अच्छी बात थोड़ी है। मेरे भैया और घर वाले पेरेंट्स सारे मेरे पे बहुत भरोसा करते हैं, तुम उनसे कहोगे? तुमने कह के भी देख लिया कुछ हुआ? हमने ऐसे सुनसान से पार्क में क्यों बुलाया मुझे यार? देखो दूर रहो मेरे यार, क्या से, बैठो से यार, तुम जा रहे हो नहीं, बैठ नहीं रही हूँ मैं। क्या हो गया? देख मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है, आप दूर होके बात करो ना मेरे से। और कैसे, तुमने फिर यहाँ क्यों बुलाया ऐसे सुनसान से पार्क में? मैंने आपसे बात करने के लिए बुलाया है आपसे, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं इस पार्क में बात करने के लिए, बात करने के लिए घर नहीं है क्या? मैं सो रही थी, आपने जबरदस्ती मेरे साथ सो गए। क्या हो गया फिर? और आपने फोटो वोटो भी ले रखी है, आप फोटो डिलीट कर दो आप मेरे। अरे फोटो से क्या हो गया यार, आप सबको दिखा दोगे? मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, देख ऐसा है मेरे साथ तुम्हें गए यार, ये क्या कर रही है? आप दूर रह के बात करो, ठीक है? मुझे समझ नहीं आ रही है, फिर वो मैं कितनी बार समझा चुका हूँ, मैं क्या करूँ? आपने मेरे फोटो वोटो ले लिए बिना कपड़ों के, मैं क्या करूँ बताइए? तो मैंने फोटो ही लिए हैं, अभी रुक जा, तू ऐसे रहेगी ना, मैं रुक जा, तेरे फेसबुक पे ही डाल देता हूँ। नहीं आप फेसबुक पे क्यों डालने के लिए कह रहे हो? और भैया से भी कहूंगा कि तेरे गांव में 3600 के साथ अफेयर है, जो असर करवाऊंगी ना आपको पता भी नहीं। क्या करवाएगी तू, मैं क्या करवाएगी तेरे से, कितनी बार कह चुका हूँ मैं, तेरे समझ नहीं आ रही प्यार से है, क्या करेगी तू? तेरा देख तेरा हाल, तो मैं क्या करता हूँ तेरा, चल तेरे से 10 बार कह ली मैंने, तुझे समझ नहीं आ रही प्यार से है? अब बहुत गलत कर रहे हो, बता रही हो आपको। क्या करेगी तू, किसको बुलाएगी तू है? मैं बुलाऊंगी जिसको बुलाऊंगी, ठीक है।
आपने बहुत गलत किया मेरे साथ और परेशान भी बहुत करते हो आप मुझे। प्यार से जितनी देर से प्यार से बात कर रहा हूँ ना तेरे से, मैं नहीं समझ में आ रही तुझे है? आपको समझ में नहीं आ रहा, बता रहा हूँ, ढंग में रह ले, अपनी औकात में रह ले। तेरे को 10 बार बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो मेरे साथ। क्या गलत कर रहा हूँ मैं, मतलब आप इतना गलत कर रहे हो। घर में आई हूँ ना, आपने परेशान करके रख दिया है मुझे। क्या परेशान कर दिया मैंने? और परेशान ही करते हो आप, रोज छेड़ा छाड़ी करना। करना क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो? सोना चाहते हो मेरे साथ? सोना चाहते हो क्या? लो सो लो, कर लो जो करना चाहते हो। ये हरकत है ना, यहाँ मत कर, पार्क में बुला के। तू पूछ के किससे आई है घर से है? तेरे किससे पूछा तूने घर से है, जो तू यहाँ ऐसे सुनसान से पार्क में आ रही है? तो आपसे पूछूंगी क्या मैं? तेरे को घर पे ले जाके ही बताऊंगा, तो घर चल तू मेरे साथ, ठीक है? छोड़ो मुझे। तुझे समझ नहीं आ रहा, जब से समझ से मैंने समझाया समझ नहीं आ रही है बिल्कुल है तेरे। तुझे इतनी देर होगी कहते हुए यहाँ बुला के, एक तो वैसे ही आप हाथ मत उठाओ, ठीक है? बहुत देर हो गई आपको। क्या करेगी तुम्हें? समझ नहीं आ रहा है, यहाँ बुला के और दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्या करेगी तू? मैं आपके भाई को बोलूंगी। बोलने भाई को तो तूने पहले ही बोला था ना, कुछ हुआ? अपने घर वालों को भी बोलूंगी, देखना जब मैं बताऊंगी। देखियो क्या बताएगी, बोलूंगी सबको। क्या बोलेगी, कौन विश्वास करेगा तेरी बात पे? सब करेंगे, फिक्कड़ तेरे बात पे कौन करता है ये बता। पहले भी तूने बोला था ना, किसने विश्वास कर लिया? हाँ। मैं पियक्कड़ हो कुछ भी हो, सारे घर वाले मेरी मुट्ठी में है, कोई विश्वास नहीं करेगा, चाहे तू 36 बार बोल लियो उनको, ठीक है? अब देख करेंगे वो, मैं बोलूंगी उन्हें। उन्हें बोल ले तू, 10 बार बोल ले चाहे 50 बार बोल ले, मैं एक बार कहूंगा तो वो तू दूर होके बात करा कर मेरे से, ठीक है? बहुत बदतमीजी होगी तेरी। रुक जा, तू क्या बोलेगी? बोलूंगा तो मैं घर पे जाके कहूंगा ये वैसे ऐसे पार्क में घूम रही थी, पता नहीं किस किस के साथ रंगरलिया मला रही थी। हाँ, ये इसी बात का तो फायदा उठा लिया है तूने। इसी का ही सारा फायदा उठाऊंगा, अभी तो तूने देखा ही कहा मेरा रूप। ये तो मैं तेरे को प्यार से समझा रहा था, अभी अभी चल तू घर, अभी तेरे को घर चल के ना। तेरे घर नहीं जाऊंगी यहाँ से, यहाँ से सीधा ही अपने घर जाऊंगी और सबको बोलूंगी मेरे साथ जबरदस्ती करता है और सोया भी है, और कोई मेरा बात पर विश्वास नहीं करेगा, कोई यकीन नहीं करेगा। तेरे घर वाले भी, अपने घर वालों से बोलूंगी, क्यों नहीं करेंगे? तेरे ही घर वाले नहीं करते हैं ना, बाकी मेरे घर वाले तो करेंगे ही। तो अपने घर वाले से बोल, मैं और देख अभी देख मैं तेरे को क्या करवाता हूँ। तेरी फोटो है ना, अभी तक नहीं डाली थी ना मैंने, अब देख तेरी सारी वायरल करूंगा, फेसबुक वगैरह पे सब पे डाल दूंगा, तेरे को पूरी वाली हीरोइन बनवा दूंगा, बढ़िया वाली। घर जा रही हूँ। तो उधर कहाँ जा रही है, इधर चल तू घर ही। मैं तेरे घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर जा रही हूँ। तुझसे कह रहा हूँ ना मैं, समझ नहीं आ रहा तुझे? हमारा आपस का मैटर है, तू कौन है यहाँ पे? आपस में क्या कर रहा है तू? भाभी है मेरी, मैं आया था मिलने। भाभी है? अच्छा, आप इसके साथ जाना चाहती हो? नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती, ये मेरे साथ बहुत गलत करता है। क्या कर रहा है, एक बार बताना इसके मुंह पे बता क्या कर रहा है। ये ना मेरे साथ वहाँ पे घर पे मेरे साथ बहुत ज्यादा छेड़ाखानी करता है, यहाँ हाथ लगाता है, यहाँ हाथ लगाता है, और एक बार तो मैं कमरे में सो रही थी ना, तो जबरदस्ती आके मेरे साथ सो गया था ये। अब बता, भाभी है ये? मेरी भाभी, तुम कौन हो? तुम जाओ ना अपने काम पे। जबरदस्ती क्यों लेके जा रहा है भाई? मेरी भाई, मैं कुछ भी करूँ, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? ये हमारा आपस का मैटर है, फैमिली मैटर है, तुम कौन बीच में आ रहे हो? भी करेगा मेरी मर्जी जो मैं करूंगा। वो रो रही है, ऐसा है भाभी, शांति रह ले, थोड़ा दूर से बात कर ले, दूर से बात कर रहा हूँ, फिर उसकी इजाजत इज्जत के साथ ले जा। क्या लगती है तेरी? गोद में लेके जाएगा? क्या लगती है तेरी? और भाई हाथ नहीं टूटा, बार बार कह रहा हूँ मैं तेरे। ओ भाई ऐसे मैं कह ली ना, क्या कर रहा है तू? ये मुझे नहीं आ रही तुझे, मैं क्या बात कर रहा हूँ? नहीं तो क्या कर रहा है तू भाई? कुछ भी करके बात कर रहा है, कुछ भी कह के बात कर रहा है, साले मारो मार रहे हैं। आप रो मत, इधर आओ। ये पहले बताओ, ये कब से कर रहा है ऐसे? ये मुझे इन्होंने बुलाया, मुझे सब कुछ बताया तेरे बारे में, तू क्या कर रहा है क्या नहीं। इधर सामने खड़ा हो जा, और तेरे घर वाले आएंगे यहीं पे, तेरी असली औकात दिखाऊंगा। मुझे तू बहुत 6 महीने हो गए, मुझे बहुत परेशान करके रखा है इसने, और तेरे ऊपर हाथ उठा के कर लेंगे भाई तुमको। घर की बात है ना, चल बता तेरे घर की क्या बात है भाई। मेरी बात है, हम अपने आपस में बात कर लेंगे यार, मेरी शादी नहीं हुई भाई, इनकी इज्जत लूट रहा है, मेरी शादी नहीं हुई भाई, इनके घर में तेरे इसके
मैडम एक बार सामने खड़े, इनके घर में कोई नहीं सुनता इनका, इसीलिए तो इनके साथ जबरदस्ती कर। भाई मैं बता, सही कर रहा है बोलना। यार मैं कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो यार? आप छेड़ के दिखाओ ना, आप छेड़ो ना इनके सामने, घर पे तो आप छेड़ते हो। मैंने सबको बोला कोई मेरा भरोसा नहीं करता, अब छेड़ के दिखाओ। आप क्यों खड़े हुए हो? कोई इसकी तो मैं ना भैया से कहूंगा कि अपने यारों को बुला के पिटवा दे मेरे को। तेरे भाई है मेरा, तेरे भैया को भी यहीं बुलाएंगे, ठीक है? टेंशन ना ले, तेरे भैया को भी यहीं बुलाएंगे। इधर इधर बैठ जा, तेरे भैया को भी ना यहीं बुलाएंगे। और तू कर क्या रहा है ये बता दे, किस बात का फायदा उठा रहा है? फोन निकाली, फोन निकाल, फोन निकाल, फोन में मेरे फोटो खींच रखे हैं इसने। निकाल फोन, फोन खोलियो, फोन खोलियो। ये खोल, ये खोल, ये खोल। ये क्या है, है? ये क्या फोटो है भाई हमारी? कैसी फोटो क्लिक कर रखा है भाई? मेरी भाभी है, कर लिया मैंने घर। इधर ही हो, है? इधर ही हो। तेरी बीबी का कोई फोटो क्लिक करेगा इस तरह, तुझे ठीक लगे? क्या भाई, तू जानता नहीं मुझे, और तू, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा, इसीलिए बुलाया था ना तूने फोन करके। और हाँ, तेरे को भी देख लूंगा भाई, कोई बात नहीं है, तेरे को भी देख लूंगा मैं, तुझे भी बताऊंगा। पहले मैं इसको बताऊं, क्या बताएगा ये बता दे, क्या बताएगा? तू यहां लड़कों बुलवा के पिटवा रही है, मेरे लड़कों से पिटवा रही है ना, बुला के यहां अपने यारों को बुला के पिटवा रही है ना। इतनी बदतमीजी क्यों करते हो? और इसको भी देख लूंगा और साथ में तेरे को भी। तू क्या कर रहा है ये बता देना, तू सही कर रहा है इसके साथ? मैं बता दे, तू सही कर रहा है? मैंने जो करना था कर लिया। जब घर का इंसान जब इज्जत नहीं कर पाएगा, तू कहां जाएगी ये बता, तू ये बता दे। तू क्यों इमानती बन के आ रहा बार बार बीच में? बता दूंगा तुझे, उन्होंने बताया मुझे सब कुछ। मत लगा भाई, बार बार कह रहा हूँ, क्या कर लेगा? बोल ना, देख लूंगा मैं जो आज। देख ले, तेरे सामने खड़ा हूँ, देख ले। कहीं और नहीं मिलेगा क्या मेरे को? कहीं और नहीं मिलेगा? क्यों यही मार ले, मुझे मारना है यही मारना भाई। जब मैं बहुत मतलब कहती हूँ ना, तो कहता है तेरा कोई भरोसा नहीं करेगा। तू तू तो चल घर पे, तेरी तो घर पे देखो मैं। ये बता, मैं कुछ नहीं करता भाई, दारू पीता हूँ, मौज लेता हूँ। दारू पीता, मौज लेता है और लड़कियाँ छेड़ता है? बिल्कुल। अपनी घर की इज्जत से तुझसे भाभी जानते मतलब क्या होते हैं, तुझे पता भी है यार? बदतमीज से कुछ नहीं दिखता, किससे कुछ नहीं दिखता, तेरे घर के भरोसे ना। और तेरे घर वाले उस पे भरोसा नहीं कर रहे, और सोने के बाद तू फायदा उठा रहा है। अभी तेरी बात का भी भरोसा नहीं करेगा कोई, जब मैं घर जाके कहूंगा ना कि ये ऐसी ऐसी हरकत कर रही थी, इसने पार्क में बुलाया है मुझे और लड़कों से पिटवाया है, तो देख इसका क्या हाल होता है। ये तो गई गई, ठीक है, कहाँ गई? ये जहाँ मैं लेके जाऊंगा तेरे घर पे, मैं ही लेके जाऊंगा, ठीक है? कोई छू के दिखा देगा तेरे घर में, तुझे और तेरे घर वालों, पहले सुन लियो। अच्छा, इतना बड़ा फन्ने खा हो रहा है तू? क्या बोला, इधर रहियो, क्या बोला? एक बार फिर से बोलियो एक बार। ओ भाई, मार क्यों रहा है तू बार बार? क्या बोला, ये गई कहाँ लेके जाएगा? एक बात बता, दारू पी पी के खत्म हो गया पूरा है? दारू पी पी का पूरा खत्म हो गया? तू हाथ क्यों चला रहा भाई, मुंह से बात कर यार। दूंगा तुझे, शांति से इधर खड़ा हो जा, मेरे भी हाथ उठ सकते हैं भाई, बहुत देर होगी तेरे को कहते हुए। सुने, पुलिस स्टेशन में लेके चलूंगा, यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन लेके चलूंगा। खड़ा क्यों रहा? खड़ा खड़ा खड़ा, यहाँ बैठ बैठ बैठ। यहाँ से ना सीधे पुलिस स्टेशन में लेके चलूंगा इन मैम को लेके, यहाँ बैठो, इनको लेके चलूंगा पुलिस स्टेशन में, और सारी चीजें इनसे बोलवाऊंगा, वहीं पे तेरे घर वाले आएंगे, ठीक है? वहीं पे तेरे घर वालों को बुलाऊंगा, आप जाके रिपोर्ट करोगे ना इसके नाम से? मैं कंप्लेंट करूंगी, ठीक है? और फिर तू बच लियो, जितना तुझे बचना होगा बच लियो। फिर दिखाएगी कहाँ, प्रूफ क्या दिखाएगी तू? प्रूफ तो मैं दिखाऊंगा। भेज का फोन ले लो आप। फोन निकल, फोन ऑन नहीं दे रहा भाई। प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, सुनना, प्रूफ की हमें जरूरत ही नहीं है, तुझे वैसे भी अंदर करवा दूंगा, तू टेंशन ना ले। कैसे करवाना कैसे नहीं करवाना मेरे ऊपर छोड़ दे। फोन क्या, तू तो पैरों में गिर के माफी मांगे अभी थोड़ी देर में। बड़े इज्जत के साथ कह रहा हूँ, अपने घर वालों को यहाँ पे बुला, जो तेरी तूने हरकतें की है ना इनके साथ, खड़े होने एक बार थप्पड़ मारो, जिस तरह ये हरकतें कर रहा है थप्पड़ मारो। बहुत घटिया इंसान है ये, बहुत घटिया, बहुत ही घटिया है ये। ऐसी लायक है, फिटने लायक? क्या देख लेगा, इधर आ रहा, क्या देख लेगा तू? क्या देख लेगा तू? तूने बोला देख, सामने देख एक बार, सामने देख एक बार, कैमरा लगा रखा सबके, सब रिकॉर्ड हो रहा है। कैमरा बंद करवा लो, प्लीज भाई। बोला
क्या बोला? सुन, इट्स गोल्डन प्रैंक पे वीडियो जा रही है, यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह लाइव जा रही है, लाइव चल रहा है वो, लाइव लोग देख रहे हैं। कर दो भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई। मैडम इधर आओ प्लीज भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ भाई। कैसे कैसे मुझे कॉन्टेक्ट किया ये बताओ इसको। मैं इनका चैनल देख रही थी जब मैंने इन भैया को बोला है, जब बुलाया है मैंने अपनी हेल्प के लिए, मेरा तो घर पे तो कोई भरोसा ही नहीं करता मेरा। नीचे बैठ भाई, ये वीडियो मैडम बैठो इधर बैठो। बात बता, तू सही कर रहा है? तू बता दे सही कर रहा है भाई। मैं माफी मांग रहा हूँ भाई, मैं गलती हूँ। मैं दारू पीता हूँ, मौज लेता हूँ, नशे में गलती हो, दारू पीता है नशे में, गलती किया तूने, गलती की है, गलती होगी भाई। अब पाप कहते हैं इससे। बात बता, ये जब सो रखी हैं तो इनके साथ जबरदस्ती जाके सो गया, और जब ये बोली घर पे तो इनके इनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया तूने। नहीं गलती होगी भाई, उल्टा ही उन लोगों से बोल रहा था कि यही जबरदस्ती कर रही है मेरे साथ। भाई गलती होगी भाई, अब नहीं करूंगा कभी ऐसा भाई। प्लीज ये वीडियो डिलीट करवा दो भाई, प्लीज बस वीडियो डिलीट करवा दो। नहीं इस वीडियो को डालना, तेरे घर में पूरे लोगों को दिखाऊंगा ये वीडियो। नहीं भाई पूरे करो प्लीज भाई, और जिस गांव में रहता हूँ उस पूरे एरिया को दिखाऊंगा खड़ा होकर बैठ। इस वीडियो को डिलीट मत करना, स्टेशन पर तेरे घर में नहीं तो घर वाले मेरा भरोसा नहीं। लड़की की इज्जत ना हो ना, उस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, शुक्र है कि होश अभी, बिना बच्चे वच्चे भी इनके कुछ नहीं हुए हैं, उससे पहले इनकी जिंदगी बच गई। भाभी से भी माफी मांग लो। एक बात बताओ, उस हस्बैंड के साथ क्या ही रहना जो तुम पे भरोसा ना करता हो। मैं अपने घर ही जाऊंगी, मैं इन लोगों के साथ ही नहीं रहूंगी बिल्कुल। इसको ना पहले थप्पड़ मारो, जिस तरह अभी धक्का दिया था ना, तो थप्पड़ मारो कस के, जितना अपना भड़ास हो ना यहाँ निकालो। कमीने कुत्ते, प्लीज भाभी माफ कर दो मुझे। भाभी प्लीज, मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ, दूर रह मेरे से तो तू। भाभी प्लीज माफ कर दो, ये वीडियो डिलीट कर दो भाभी प्लीज। नहीं ये वीडियो तो नहीं करवाऊंगी मैं, कह रहा हूँ ना प्लीज। मेरे घर पे कोई भरोसा नहीं करता था मेरे साथ, जिस तरह तूने हरकत की है। नहीं आइंदा से नहीं करूंगा मैं, आपके पैर पे लग रहा हूं भाभी, दूर रह। खड़ा हो जा बेशर्म कहीं के, पहले ही समझ गया होता इतना है। अब तुझे शर्म आ रही है कि लोग देखेंगे, अब तुझे शर्म आ रही है कि लोग देखेंगे। लोगों ने तो देख लिया तुझे, जिस तरह इस तरह पकड़ पकड़ के चिपक रहा था ना, बकायदा बहुत देर से उसमें रिकॉर्डिंग चल रहा है। जब से ना इन्होंने कॉल करके तुझे बुलाया तब से रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे। गलती हो गया प्लीज, उनसे बोल जो देख रहे हैं वीडियो, उनसे बोल कि गलती हो गई, माफ कर दो प्लीज, ये वीडियो डिलीट करवा दो प्लीज। बैठ जा यहाँ पे, बैठ जा। क्या बोल रहा था, तोफ खाना है भैया? गलती होगी भाई मेरे से, गलती नहीं है भाई, ये गलती नहीं है, इसे गलती नहीं बोलते हैं। अब आएगी पुलिस और तुझे लेके जाएगी, बाकायदा इनको वीडियो को दिखाऊंगा। मैडम इधर आके बैठ जाओ सामने, ये बाकायदा वीडियो ले चल के दिखाऊंगा पुलिस स्टेशन में। आप कंप्लेन करोगे ना मैम? हाँ मैं कंप्लेन करवाऊंगा, और फिर तब तुझे वहाँ पे उनके हवाले करके तब निकलूंगा। और रही बात तेरे घर वालों की ना, जिन पे इनके ऊपर विश्वास नहीं किया और झूठा इल्जाम लगाया, उनको भी सबक सिखाऊंगा वहीं पे। ठीक है, गलती हो गई भैया, प्लीज वीडियो डिलीट करवा दो। और जितने तुमने दहेज में पैसे वैसे चाहे जो भी चीज़ ले रखे हो ना, सब कुछ वापस करवाओगे जब रिश्ता खत्म होगी तो। और देखियो खत्म करवा के मानूंगा मैं। ठीक है भैया, ऐसा मत करो प्लीज। एक बात बता, करवा दो ये वीडियो प्लीज भाई। क्यों अब इज्जत, अब प्लीज माफी। अच्छा एक बात बता, वीडियो डली जाए तो क्या हो जाएगा? नहीं पूरी बदनामी हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। और जब मेरे फोटो डाल रहा था तब मेरी बदनामी नहीं थी। फेसबुक पे, फेसबुक पे ना, ये फेसबुक पे वीडियो देखियो, जितना हो सके ना फेसबुक पे शेयर करो लोग, जितना हो सके आप लोगों के पास है, जितना हो सके ना फेसबुक पे शेयर करो मेरे भाई। ठीक है, अब ये शेयर हो रही है, अब तू सोच ले अब तेरे साथ क्या होगा। ठीक है, ऐसा मत करो भाई प्लीज। सकल एक बार याद रख लो, कहीं भी अगर मिले ना ये बंदा, ठीक है, इसका क्या करना है आप खुद ही देख लेना। डिलीट करवा दो भैया प्लीज, डिलीट करवा दो भाई प्लीज भैया, मैं भी डिलीट कर देता हूँ फोटो सारी प्लीज, ये वीडियो डिलीट। फोन तो पहले फॉर्मेट मार दे यहाँ पे, पहले फोन फॉर्मेट मार, फिर उसके बाद से मैं बता रहा हूँ क्या करना क्या नहीं करना। मैडम पुलिस स्टेशन ले चले? हाँ इसे पुलिस स्टेशन लेकर चले। यहीं बैठे रहे, यहीं बैठे रहे, आप कुछ मत बोलिए। माइक दो मैडम, माइक दो। ये डिलीट कर दिए भैया, ये देखे माइक अंदर लगा रखा था, एक एक बातें रिकॉर्ड हुई हैं इसमें। ठीक है, अब शांति से बैठे रहो, एक शब्द मत बोल दियो। सो गाइस आप ये बताओ मैंने सही किया गलत? मैडम एक बार इधर। सो गाइस आपने वीडियो देखी और वीडियो मैंने सही किया गलत किया कमेंट करके बताओ। इसको बैठा के रखें इसके, मैडम अपने घर पे कॉल करो एक बार, और पुलिस स्टेशन जो भी नज़दीक यहाँ का पड़ता है वहाँ पे लेके चलो, इसको भी लेके चलते हैं। ठीक, और वहीं से अपने भी हस्बैंड को बताओ ये सब चीज़ें, ये वीडियो का लिंक दूंगा, बाकायदा पुलिस स्टेशन में सबको दिखाना कि ये क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। ठीक ठीक है,
और बाकी आपके साथ पहले क्या हो रखा क्या नहीं हो रखा सब चीज़ें बताना है, एक एक चीज़ें शर्माना मत, क्योंकि ना ऐसे बंदों को सजा दिलवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है मैंने अगर हेल्पिंग वीडियो सही किया तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, ठीक है अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो, ठीक है। और उसके बाद से आप लोग के लिए इतने बड़े बड़े रिस्क उठाते हैं, ठीक है कभी यूपी कभी कहीं जाके लोगों की मदद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो चाहे किसी को कोई प्रॉब्लम, आपके दोस्त यार चाहे फैमिली रिलेटिव किसी को भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम की आईडी है गोल्डन यादव के नाम से, जाके देखो और फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे और डीएम करो मैसेज करो, सबके रिप्लाई देता हूँ, आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।